नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा जियो फाइनेंशियल के स्टॉक के बारे में, जो कि कल के सेशन में बाजार में उतरने वाला है। ऑलरेडी इस पे मैं काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं आपके लिए, दिन के दौरान भी एक वीडियो बना चुका हूं जहां पे सब कुछ शेयर कर दिया एक्सेप्ट वन थिंग, और वो वन थिंग अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, इस स्टॉक में कल के सेशन में जब लिस्टिंग होगी तो क्या प्राइस रहेगा, और लिस्टिंग के बाद कुछ बड़ी बिकवाली इस स्टॉक में आपको होते हुए दिख सकती है। इस बिकवाली में जिनके पास ये शेयर ऑलरेडी है, क्योंकि डीमर्ज हुआ स्टॉक है ये, तो बहुत सारे लोगों पे आया होगा ये शेयर, जिन्होंने भी रिलायंस के शेयर में निवेश करा होगा, और बहुत सारे लोग इस ताक में बैठे हैं कि भैया कल बाजार खुलते ही मुझे तो जियो फाइनेंशियल का शेयर लेना है या बेचना है। तो क्या सही डिसीजन हो सकता है, इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं डाटा के अकॉर्डिंग। शुरू करते हैं, एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं करी है, आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक का लिंक है, वहां जाइए अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। लाइफ टाइम एएमसी फ्री है, फ्री अकाउंट ओपनिंग है, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा एंड रतन टाटा जी का भरोसा मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे, तो भैया एक बार रिपीट कर लेते हैं जो सारी चीजें आपको पता है, और नहीं पता है तो चल जाएंगी। 20 जुलाई 2023 को रिलायंस ने डीमर्जर की एक्स डेट रखी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक की। 20 तारीख को जियो का शेयर डीमर्ज हुआ, 10 बजे प्राइस डिस्कवरी आई जिसका भाव निकला 261 रुपीज का, जिसके हिसाब से जियो के कंपनी जियो की मार्केट कैप जो निकल के आई वो 1.66 लाख करोड़ की निकली। उसी के साथ कंपनी भारत की सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी बन चुकी है, पहले नंबर पे बजाज फाइनेंस है। अब 20 तारीख से पहले, 20 जुलाई से पहले जिसने रिलायंस में निवेश किया था उसको 1:1 यानी एक के सामने एक शेयर के हिसाब से जियो का शेयर मिल चुका है। जियो का शेयर उनके डीमेट अकाउंट में भी क्रेडिट हो गया है, और इनकेस आपने 20 जुलाई से पहले रिलायंस का शेयर लिया था और अभी तक आपके पास जियो का शेयर नहीं आया है तो आपके पास कल सुबह 9 बजे से पहले आ जाएगा, और नहीं आता है तो डेफिनेटली आपने या तो 20 तारीख से पहले ही खरीद के पहले ही बेच दिया है, होल्ड नहीं किया है, आप एलिजिबल ही नहीं हो। एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आ जाएगा, और आपको लगता है नहीं भैया मैं तो एलिजिबल हूं लेकिन फिर भी नहीं आ रहा, तो एक बार अपने ब्रोकिंग के कस्टमर केयर से बात कीजिए, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, इस कंपनी की लिस्टिंग कल है, और जैसा कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि बीएससी ने कहा है 10 दिन तक ये स्टॉक T2 ट्रेड में रहेगा, यानी कि ट्रेड टू ट्रेड में। इसका मतलब ये होता है कि आपने आज शेयर खरीदा तो आप आज ही बेचना चाहो तो नहीं बेच सकते, आपको डिलीवरी ही लेनी पड़ेगी। यानी कि स्टॉक अगर आप आज खरीद रहे हो तो कल बेच पाओगे, और पहले से खरीदा हुआ है तो केवल बेच पाओगे, खरीद नहीं पाओगे। ये हो गया आपके लिए टी टू ट्रेड। अब यहां पे फ्रेश बाइंग और फ्रेश सेलिंग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये स्टॉक हर एक उस इंडेक्स में लिस्टेड है जिसमें रिलायंस का शेयर लिस्ट है, ठीक है। डीमर्जर पे सारी चीजें आपके साथ सामने आई थी। आपको पता है निफ्टी 50 नाम में ही 50 आ रहा है, भारत की टॉप 50 कंपनी, उसमें रिलायंस इंक्लूड है। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज भारत की, उसमें भी रिलायंस इंक्लूड है, और जियो फाइनेंशियल का शेयर भी इन दोनों इंडेक्स में इंक्लूड है, क्योंकि जहां रिलायंस है वहां ये है। बट निफ्टी में 50 कंपनी रह सकती है और सेंसेक्स में 30 ही रह सकती है, तो इन दोनों ही जगह से ये शेयर बाहर होगा। अब जैसे ही बाहर होगा उसमें क्या होने वाला है वो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसमें बिकवाली होगी, क्योंकि जब जिन्होंने भी ETF में पैसा लगाया है ना, उनके हिसाब से इसमें से बाहर निकलेगा। जो डाटा कह रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आफ्टर द एक्सक्लूजन, पहले पूरी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज विच इज करंटली अ पार्ट ऑफ बेंचमार्क निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स विल मूव आउट फ्रॉम बोथ द इंडाइसेस 3 डेज आफ्टर इट्स लिस्टिंग। ऐसा नहीं है कि कल लिया डीलिस्ट हो जाएगा, कल के बाद 3 दिन यानी कि कल, परसों और 3 दिन, उसके बाद 24 तारीख की बात की जाए तो ये बाहर होगा। अकॉर्डिंग टू नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, नुवामा की रिसर्च के अकॉर्डिंग द एक्सक्लूजन विल हैपन ऑन 24th अगस्त। आफ्टर द एक्सक्लूजन पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स ट्रैकिंग निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स विल हैव टू ऑफलोड देयर होल्डिंग्स इन द स्टॉक। निफ्टी 50 फंड नाउ होल्ड अराउंड 90 मिलियन शेयर्स, लगभग 90 मिलियन शेयर निफ्टी 50 होल्ड कर रहा है, एंड सेंसेक्स फंड हैव अराउंड 55 मिलियन शेयर्स। एज पर नुवामा देयर होल्डिंग इज वर्थ अराउंड रुपीज 3800 करोड़ एट प्रेजेंट प्राइस। 261 के हिसाब से उनकी जो होल्डिंग्स है चेक करोगे सेंसेक्स और निफ्टी बेंचमार्क की, तो ये 3800 करोड़ की है, 3800 करोड़।
और इस स्टॉक की लिस्टिंग की उम्मीद जो है ना वो 300 रुपए के करीब है, 300 रुपए के करीब। तो 300 रुपए के करीब जब ये शेयर लिस्ट होगा तो उनकी वैल्यू और बढ़ेगी और धीरे धीरे कहीं ना कहीं 24 तारीख को एक्सक्लूड होगा, 3800 करोड़ की बिकवाली आएगी आपके लिए। ये स्टॉक ये भी हो सकता है कि आपके लिए कंटिन्यू सर्किट टू सर्किट चला जाए। जियो फाइनेंशियल बीबी इंडिया 33rd मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी एंड 3rd बिगेस्ट एनबीएफसी आफ्टर बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। अगर आप बजाज फाइनेंस और फिनसर्व अलग अलग रखोगे तो ये 3rd है और एक बजाज फाइनेंस रखोगे एनबीएफसी में तो ये 2nd है, ठीक है जी। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि क्लियरली लिखा है 33rd मोस्ट वैल्यूएबल, तो ये आगे चलकर निफ्टी का हिस्सा भी बनेगा, बट निफ्टी का हिस्सा बनने के अपने कुछ क्राइटेरिया है। कहीं ना कहीं सौदा एक्सचेंज होना चाहिए, प्रॉपर डिलीवरी होनी चाहिए और प्रॉपर ट्रेड होना चाहिए स्टॉक में, और एफएनओ का शेयर होना चाहिए, उसके बाद ही निफ्टी का हिस्सा बन सकते हैं। तो आगे चलकर डेफिनेटली निफ्टी का हिस्सा बनता हुआ दिखेगा आपको। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी जानकारी, होप आपको जानकारी समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।